नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूँ ब्रज नंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। स्वागत है एक बार और आप सभी का मेरे इस चैनल पे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर मैंने कई जगह से कंप्लेंट सुना है या कई जगह से मैंने रिक्वेस्ट सुना है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, आखिर वो कैसे जाएं। तो ये प्रॉब्लम मैंने सोच के और समझ के कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है कि अगर जो कोई इलीगिटिमेट चाइल्ड है, दूसरे शब्दों में कहें नाजायज अगर जो उसकी किसी संतान है, तो अगर जो नाजायज संतान है, अगर जो मेजर है या माइनर है, दैट इज़ अ नॉट अ डिफरेंट अ पॉइंट, वो कोई बहुत ही बड़ा बिंदु नहीं है। लेकिन अगर जो किसी की नाजायज औलाद है, नाजायज अगर किसी की संतान है, तो क्या वो अपने पिता या माता से क्या मेंटेनेंस प्राप्त करने का या पुजारा भत्ता प्राप्त करने का क्या वो अधिकारी है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, मैं इसी पर पूरी डिटेल में आज बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, कि अगर जो इलीगिटिमेट चाइल्ड है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो, अगर जो उसके हस्बैंड है, अगर जो वो नाजायज हैं, सौतेले बाप हैं, सौतेले माता पिता हैं, तो वो कैसे अपने लिए गुजारा भत्ता उनसे प्राप्त कर सकता है, जबकि वो उनको सही से मेंटेन नहीं करते हैं, उनको त्यागने के लिए तैयार हैं। तो क्या लीगल प्रोविज़न में क्या ऐसा कहीं प्रोविज़न है जिससे वो क्या वो इलीगिटिमेट चाइल्ड है, या चाइल्ड में कहने का मतलब है गर्ल्स है या डॉटर है, कोई भी है, क्या अपने माता पिता से क्या वो गुजारा भत्ता प्राप्त करने का क्या अधिकारी है? अगर जो अधिकारी है तो उसको कैसे मिलेगा, उसकी समस्या का समाधान कैसे करेगा? कई बार लोगों से मैंने कई जगह रिक्वेस्ट सुनी है कि ये इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ के निकाला है कि सेक्शन 125 CRPC में, धारा CRPC की 125 में जो नाजायज संतान है, जो अपने सौतेले माता पिता से वो गुजारा भत्ता प्राप्त करने का बिल्कुल अधिकारी है। बात करते हैं इसके प्रोसेस पे, अगर जिसके प्रोसेस कैसे होगा, अगर तो उसको मिलने का तो अधिकारी है, लेकिन उसको मिलेगा कैसे, मैं दोनों चीज़ें इस पर डिस्कस करता हूँ कि एक तरीके से मैं लॉ बताता हूँ क्या उस पर उसको मिलना चाहिए, अगर जो मिलना चाहिए तो फिर क्यों मिलना चाहिए, अगर जो क्यों है तो उसको कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या है, रास्ता क्या है। क्योंकि सभी को मालूम है, लॉ तो बना हुआ है, मिला भी हुआ है, जानकारी भी है, टूटी फूटी जानकारी किसी भी पर्सन के पास सबके पास होती है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में सही उसको लीगल रेमेडी नहीं मिल पाती है। आखिर उसको लीगल रेमेडी मिले कैसे, उसका उपचार कैसे हो, उसका जो उसके राइट का हो, उसके राइट जो इन्फ्रिंज हो रहे हो, जो उनके राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको मिले कैसे, तो इसका सलूशन यही है कि आप जो भी उसका लेगिस्टिमेट चाइल्ड है, अगर जो माइनर है तो वो जिसके पास रह रहा हो, जिसके संरक्षण में हो वो, या इस जिसके साथ रह रहा हो, दोनों में से कोई भी उसके बिहाफ में न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि इस बच्चे को ही इससे इनको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। आपको ज़्यादा फार नहीं होगा, आप अगर जो ये साबित कर ले जाते हैं कि वो माता पिता या वो उन बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं और उनसे उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो ये आप कारण और आपके आधार, आपके रीजन को अगर जो न्यायालय संतुष्ट होता है, अगर जो आप सीखे आधार अगर जो सही पाए जाते हैं, तो न्यायालय उस बच्चे के वो जो लड़की है या लड़का है, दोनों में से कोई के भी किसी के भी फेवर में न्यायालय आदेश पारित कर देगी कि इसको गुजारा भत्ता इतने दिनों में ये इतना समुचित धनराशि उसको दी जानी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, किसी केस में अगर जो आपका प्राइमा फेसे केस बनता है तो उसको फर्स्ट डे आपके पहली हियरिंग पे ही आपको गुजारा भत्ता मिल जाता है। अगर जो आपका प्राइमा फेसे केस नहीं बनता है, यानी कि प्रथम दृष्टया में अगर जो आपका केस अगर जो आप साबित नहीं कर पाते हैं कि उसको गुजारा भत्ता क्यों मिलना चाहिए, तो आपको न्यायालय आपके बयान लेने के उपरांत ये दोनों को पक्षों को सुनने के बाद दोनों को आपको उसमें गुजारा भत्ता दे दिया जाता है। हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसको दिखाना चाहिए, ये इसमें इसको सोर्स ऑफ इनकम दिखाने का इतना बहुत ही ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आप बस केवल इतना प्रूफ करना पड़ता है कि अगर जो उसको वो बच्चे हैं, तो माता या पिता दोनों जो सौतेले माता पिता हैं, दोनों में से वो हैं, वो अगर जो आप साबित कर ले जाते हैं कि ये बच्चे उन्हीं के हैं, तो न्यायालय उन बच्चों के फेवर में उन माता पिता से गुजारा भत्ता देने के लिए पूरा अधिकारी है, पूरा प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।